सामान्य धरातल से ऊपर उठ हिंदू साम्राज्य के सूर्योदय दिखाने वाले विक्रमादित्य, मध्यकालीन भारत के नेपोलियन की गाथा आज हम सुनने वाले हैं। व्यथा मात्र एक, यदि आज हम अपने गर्वित इतिहास को उचित सम्मान देते तो आज हम नेपोलियन को हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से पहचानते। पानीपत के प्रथम युद्ध में अफगानी लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल बादशाह बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इब्राहिम लोधी के अदूरदर्शी अहंकारी नीतियों से तंग हो उसके कई प्रांतों ने विद्रोह कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ऐसे ही एक राज्य बिहार का सूबेदार था शेरशाह सूरी। वर्ष 1530 में दिल्ली के मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे हुमायूं ने गद्दी संभाली और अफगान शेरशाह सूरी ने 26 जून 1539 चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर दिल्ली को जीत भारत में सूर साम्राज्य स्थापित किया और हुमायूं फारस भाग गया। लगभग 5 वर्ष के बाद वर्ष 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। तब हेमू की आयु लगभग 45 वर्ष की रही होगी। वर्ष 1501 में राजस्थान के अलवर जिले के मछहरी गांव में विजयादशमी के पवित्र दिन पर वैश्य परिवार में जन्मे हेमू का मूल नाम कहा जाता है बसंत राय था। कुछ समय बाद उनका परिवार मेवात यानी आज के हरियाणा रिवाड़ी के कुतुबपुर में स्थानांतरित हुआ। हेमचंद्र, हेमराज, हेम राय जैसे कई नामों से जाना जाने वाला सामान्य कदकाठी का परंतु अद्भुत प्रभा मंडल का स्वामी हेमू के नाम से लोकप्रिय बना। हेमू संस्कृत, फारसी, अरबी तथा कुश्ती और घोड़े सवारी में शिक्षित थे। हेमू के पिताजी पूरनदास खाद्य सामग्री के व्यापारी थे और शेरशाह सूरी की सेना में अन्न तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति का कार्य करते थे और वर्षों उपरांत हेमू भी पिता का कार्यभार संभाल व्यवसाय करने लगे। हेमू के मेघावी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर शेरशाह के बेटे इस्लाम शाह ने उन्हें प्रथम बाजार में नापतोल करने वाला अधिकारी बनाया। हेमू ने वाणिज्य पद्धति पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया था और कुछ समय उपरांत उनकी कर्तव्य निष्ठा, योग्यता तथा प्रामाणिकता के बल पर उनकी नियुक्ति आसूचना प्रमुख यानी जासूसी तंत्र के प्रमुख के रूप में की गई। अपनी दूरदर्शिता तथा राजनैतिक सूझबूझ से गोला बारूद तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक कारखाने बनवा उनके निर्यात से राजकोष में भी भारी वृद्धि हुई और हेमू का राज्य पर अधिकार तथा प्रभाव बढ़ने लगा। उस ओर शेरशाह की मृत्यु के बाद सूर साम्राज्य के पतन का आरंभ हो गया था। शासन की लालसा के कारण कई प्रांतों के सूबेदार आपस में ही युद्ध करने लगे और सूर साम्राज्य कई भागों में विभाजित हो गए। 30 अक्टूबर 1553 इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई और उसके 12 वर्ष के बेटे फिरोज शाह को गद्दी सौंपी गई और एक महीने के अंदर ही अपने ही भांजे की हत्या कर आदिल शाह गद्दी पर बैठा। अब पंजाब में सूर सिकंदर शाह, दिल्ली आगरा में इब्राहिम खां, बंगाल में मोहम्मद शाह सूर तथा आगरा से बिहार तक आदिल शाह का शासन था। आदिल शाह बहुत ही अय्याश तथा भोग विलासी था। हेमू आदिल शाह के भी विश्वस्त बने। राजनीति के भाग रूप हेमू ने सुलेमान केरानी तथा आदिल शाह का अत्यंत घोर विरोधी जुनेद खां को परास्त कर दिया और आदिल शाह ने हेमू को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। हेमू का प्रभुत्व बढ़ चुका था। अब हेमू ने अपनी वास्तविक योजनाएं अमल में रखने का प्रारंभ किया। भोगविलासी अयोग्य शासक के विरुद्ध अफगान सरदारों ने कई विद्रोह करना प्रारंभ कर दिए थे और हेमू ने विद्रोहियों के दमन के लिए आदिल शाह की सहायता की। विद्रोही राज्य ग्वालियर कुनुलपुर को जीत मिले अपार धन का बड़ा भाग सैनिकों में बांटा तथा बचा हुआ भाग सुल्तान को दे दिया। सैनिकों के अत्यंत विश्वसनीय तथा प्राण ऊर्जा समान हेमू में नेतृत्व तथा सैनिकों को प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता थी। युद्ध भूमि में सदैव बीच में रह अपनी सुरक्षा के बदले सैनिकों के कल्याण की लगातार चिंता करने वाले हेमू, युद्ध में सेनापति महत्वपूर्ण होता है ना कि सैनिक, इस बात का जागृत उदाहरण था। अब आदिल शाह की सारी सैन्य शक्ति हेमू के नियंत्रण में थी। अब हेमू ने आगरा पर आक्रमण कर विद्रोही इब्राहिम खां के किले की घेराबंदी कर ली, परंतु उस ओर बंगाल के मोहम्मद खान ने हमला कर दिया था और इस परिस्थिति से निकलने के लिए आदिल शाह ने हेमू को वापस बुला लिया। हेमू ने बंगाल को भी परास्त किया। उस ओर हिंदुस्तान पर फिर से आक्रमण कर पंजाब, दिल्ली, आगरा भी मुगल बादशाह हुमायूं के अधिकार में आ चुके थे।
आदिल शाह को हुमायूं के हिंदुस्तान की ओर फिर से बढ़ने का समाचार मिलते ही उसने हेमू को बड़ी सेना के साथ आगरा की ओर भेजा, परंतु बीच रास्ते में ही आगरा के इब्राहिम खान ने हेमू पर पुनः आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में भी विजयी हो हेमू आगे बढ़े। उस बीच 26 जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई और उसका 14 वर्षीय बेटा अकबर बैरम खां के संरक्षण में बादशाह की गद्दी पर बैठा और इस परिस्थिति का लाभ ले हेमू मुगलों को भारत से उखाड़ फेंकने का निश्चय कर इटावा, कालपी, आगरा, बयाना होते हुए मुगलों की भागती हुई सेना का पीछा कर दिल्ली आ पहुंचा। दिल्ली के सूबेदार तारदी बेग ने आसपास के मुगल सरदारों की सहायता से हेमू से युद्ध करने का निर्णय लिया। मुगल बादशाह अकबर और उसके अंगरक्षक बैरम खान को भी इस बात से अवगत किया गया। तुगलकाबाद के युद्ध का प्रारंभ हुआ। रण क्षेत्र में मुगल सेना के मध्य अग्र दस्ते ने आक्रमण कर हेमू के मध्य अग्र दस्ते को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया और योजना के अनुसार हेमू की सेना का दाया और बायां दस्ता आगे की ओर युद्ध करता बढ़ता चला गया तथा मध्य में हेमू का दस्ता पीछे हट करता रहा, जिससे मुगल सेना विभाजित हो गई, नियंत्रण तथा एक दूसरे से संपर्क खो बैठी। हेमू के दस्ते के पीछे हट देख मुगल सेना की मध्य टुकड़ी के घुड़सवार सैनिक उत्साह में आ गए और उनकी आदत के अनुसार इधर उधर लूट फाट करने के लिए बिखर गए। अब हेमू ने अपनी पूरी शक्ति से अपने 300 विकराल हाथियों के साथ तारदी बेग पर आक्रमण कर दिया। ऐसे अनपेक्षित भयंकर प्रतिकार से तारदी बेग हक्का बक्का रह गया और युद्ध भूमि छोड़ भाग गया और हेमू ने अत्यंत महत्वपूर्ण तुगलकाबाद के युद्ध में विजय पाई। 7 अक्टूबर 1556 हेमू दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर हेमचंद्र विक्रमादित्य बने। वैदिक पद्धति से उनका राज्याभिषेक भी हुआ, अपने नाम के सिक्के डलवाए और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया और आदिल शाह चुनार भाग गया। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगातार 22 युद्ध लड़, प्रत्येक युद्ध में विजय श्री पा पृथ्वीराज चौहान के 364 वर्ष के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कोई हिंदू आरूढ़ हुआ था। महान भारत माँ के सपूत ने हिंदू स्वाभिमान का सूर्योदय हिंदुओं को दिखाया। भारत के उस समय काल में जब रक्त पिपांसु धार्मिक जिहादियों के अत्याचारों द्वारा हिंदू जनमानस कराह रहा था, ऐसे में विक्रमादित्य का उदय हिंदुओं के लिए किसी अवतार से कम नहीं था, भले ही कुछ समय के लिए। जी हाँ, दुर्भाग्य से बस कुछ ही समय के लिए। हेमू के राज्याभिषेक की सूचना अकबर तथा उसके संरक्षक बैरम खान को दी गई। तारदी बेग ने उन्हें काबुल लौट जाने का परामर्श भी दिया, परंतु बैरम खान निजी प्रतिद्वंद्वता, मुगल सैनिकों में निराशा के वातावरण को फैलाने के दोष में तथा भारत में मुगल राजवंश को बचाने के उद्देश्य से तारदी बेग की हत्या कर डाली। अकबर ने अपनी सेना को जालंधर सरहिंद से दिल्ली कूच करने का आदेश दिया और इसका पता चलने पर उस ओर हेमू ने भी मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ने का संकल्प ले अपनी विशाल सेना के साथ हेमू निकले। दुर्भाग्यवश मार्ग में बाकी के सैन्य जत्थे से अलग हो आगे छोटी सी टुकड़ी के संरक्षण में चलते हेमू के तोपखाने पर मुगलों ने मार्ग में ही युद्ध भूमि पहुंचने से पहले ही नियंत्रण कर लिया, परंतु इसकी जानकारी मिलने पर भी बिना विचलित हुए हेमू युद्ध के लिए जोश से आगे बढ़े। 5 नवंबर 1556 पानीपत के द्वितीय युद्ध का आरंभ हुआ। अकबर युद्ध क्षेत्र से 5 मील दूर छावनी में रहा और हेमू के नेतृत्व में उसकी सेना आगे बढ़ी। हेमू का बल था सैन्य संख्या तथा रणनीति तथा सेना के सैनिकों का एकमात्र बल और प्रेरणा यानी हेमू की युद्ध भूमि में उपस्थिति। भीमकाय हवाई हाथी पर सीना तान शौर्य के साथ खड़े हेमू की उपस्थिति ही सैनिकों में युद्ध का उत्साह भर देती थी। मुगलों ने नीति के भाग रूप अपनी सेना व्यवस्था की मध्य टुकड़ी के आगे हाई तथा दलदल का निर्माण कर दिया, जिससे हेमू की सेना गति से आगे न बढ़ पाई और मुगल उस खाई तथा दलदल के पीछे से तोप गोले तथा तीरों की वर्षा करने लगे। परंतु हेमू इसका भी सामना शूरवीरता से करते हुए अपने विशाल हाथियों की सेना तथा संख्या के बल पर युद्ध करते रहे। दोनों दाई और बाई सैन्य टुकड़ी आगे बढ़ी, घमासान युद्ध हुआ।
उस बेहेमो की सेना के कई अधिकारी मारे गए। फिर भी सबको चीरता हुआ युद्ध का शेर विकराल हवाई हाथी पर सवार हो निर्भीक हो शत्रु सेना को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। मुगल सेना की कोई भी नीति इस महामानव पर कार्य नहीं कर पा रही थी। हेमू के नेतृत्व में हेमू की सेना अजोड़ उत्साह से लड़ती शत्रुओं को काटती चीरती आगे बढ़ती रही। हेमू की जीत निश्चित ही थी और उसी क्षण हवा में उड़ता हुआ एक तीर उस महाकाय हाथी पर सवार राजा हेमू की आंख में आकर लगा और मस्तिष्क भेदन करता चला गया। फंसा हुआ तीर आंख से बाहर निकल आंख पर पट्टी लगा। मां भारती की स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा वह राष्ट्रभक्त वीर, परंतु यह कितने ही समय चल पाता। कुछ क्षण बाद हेमू बेसुध होकर गिर पड़ा। महावत के उन्हें रण क्षेत्र के बाहर ले जाने के प्रयत्न भी विफल रहे और मुगल सेना ने उन्हें घेर लिया। उन्हें अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने बेसुध हेमू का सर कलम कर दिया और उसके नाम के आगे गाजी जोड़। अब वह जलालुद्दीन अकबर बादशाह गाजी बना। हेमू के सिर को काबुल भेजा गया और धड़ को दिल्ली के दरवाजे पर लटका दिया गया ताकि प्रजा तथा अधिकारियों में से कोई भी विद्रोह करने का साहस न करे। दिल्ली में लूटपाट का दौर चला। हेमू समर्थकों का सामूहिक नरसंहार किया गया और नगर के चौक में उन कटे हुए सिरों से मीनार बनवाए गए। हेमू के पिताजी का इस्लाम कबूल न करने पर 80 वर्ष की आयु में सर कलम करवा दिया गया। उनकी पत्नी राजमहल त्याग भागने में समर्थ रही। दिल्ली पर मुगलों के शासन का दौर चला और इतिहास में विक्रमादित्य हेमचंद्र के बलिदान को भुला दिया गया। माँ भारती की मिट्टी को स्वतंत्र करने के लिए अनेकों युद्ध जीतने के बाद हिंदू साम्राज्य का सूर्योदय दिखाने वाले विक्रमादित्य हेमचंद्र के बलिदान के साथ ही माँ भारती के इतिहास के पन्ने अगले सैकड़ों वर्षों के लिए उन विदेशी जिहादियों के शासन में हिंदू रक्त से लाल हो गए। दुर्भाग्य राष्ट्र का मात्र एक तीर ने माँ भारती के इतिहास को पलट दिया, नहीं तो हमारी आंखें आज भी भारत के विश्वगुरु होने की साक्षी होती।